जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मोहन बोलता हुआ नजर आने वाला है कि एक बार मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ, उसके बाद में मैं सबसे पहले राधा को ही ढूंढूंगा। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बात की जाए इस समय तुलसी की, तो तुलसी सीधा सीधा यहाँ से जो मदद कर रही है वो इसीलिए मदद कर रही है कि जल्द से जल्द आखिरकार ये यहाँ से निकल जाए और निकलने के बाद में सीधा सीधा राधा को बचाए, क्योंकि दोस्तों राधा के ठिकाने का पता लगा ही लिया है और राधा के ठिकाना इसलिए पता लगाया है ताकि जल्द से जल्द अगर ये यहाँ से निकलता है तो राधा बच जाएगी। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही दामिनी की सच्चाई की अगर बात की जाए तो दामिनी की सच्चाई लोगों के सामने एकदम बिल्कुल अलग तरीका से देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दामिनी ने जो किया है आखिरकार उसको एक बार फिर से लोगों के सामने अब आना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों दामिनी ने वाकई में शुरू से ही इस घर का जितना हो सकता है इतना बुरा चाहने में कोई किसी भी तरीका की कोई कमी की नहीं है। आखिरकार अभी देखने लायक दिलचस्प विषय बन चुका है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं कि दामिनी को आखिरकार क्या सज़ा दी जाए और कैसे दी जाए, क्योंकि दोस्तों दामिनी को सज़ा मिलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, ये बात आप लोग खुद भी जानते ही होंगे। क्योंकि जो दामिनी ने आज तक किया है उसकी सज़ा तो उसको मिलकर ही रहने वाली है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे ही राधा का पता लगेगा तुरंत ही मोहन लेगा एक बहुत बड़ा एक्शन। जी हाँ, बहुत बड़ा एक्शन, बहुत बड़ी कार्रवाई करता हुआ नज़र आने वाला है, जहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मोहन बोलता हुआ नज़र आने वाला है कि मैं दामिनी के खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूँ, क्योंकि दामिनी ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा दामिनी को मिलनी ही चाहिए। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।